मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे दर्शकों आज इन बीसिन के स्टूडियो में ऐसी शख्सियत आई है कि जिन्होंने समाज के लिए काफी कामकाज किया है और भविष्य में वे समाज की सेवा करना चाहते हैं जी हाँ हम बात करने चाह रहे हैं श्री राम जय श्री राम लैंड डेवलपर्स के तीन संचालक यहां पर मौजूद है मेरे दाई और आप देख रहे हैं कि आप है सचिन घोड़मारे जी उसके बाद आप जो देख रहे हैं पंकज घुड़मारे जी साथ में है और साथ ही साथ नितिन शेल्के जी भी साथ में हैं तो दर्शकों खास मुलाकात इस कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले ये अपने कार्यक्रम की परंपरा होती है कि आए हुए मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं तो मैं सचिन गोडमारे जी इनके बारे में दर्शकों ये बता देना चाहता हूँ कि सचिन जी आपका जो जन्म है पांडरकोड़ा गाँव में हुआ है और आप पिछले सात वर्षों से इस डेवलपमेंट लेआउट का, का कामकाज अच्छे से संभाल रहे हो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महंगाई के बढ़ते दामों को देखते हुए हर किसी के पास खुद का अपना एक आशियाना हो खुद का अपना एक मकान हो खुद की एक अपनी प्रॉपर्टी हो इस बात को लेकर हर किसी का अपना खुद का मकान हो और, और वो भी एन सैंक्शन जिसे आज के तारीख में एन एम कहते हैं वो हो ये तमाम बातें ध्यान में रखते हुए आपने एक हाल ही में एक लेआउट लॉन्च किया तीनों डायरेक्टर ने मिलके तो ये थे आप सचिन घोड़मारे जी मेरे दूसरे जो मेहमान मेरे दाई और जो बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं आप है पंकज घोड़मारे जी मैं पंकज सर के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि पंकज जी आपका जो जन्म है नागपुर के अंतर्गत आने वाले पांडरकौड़ा गाँव में हुआ है पंकज जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की के डिग्री केड़ी के कॉलेज से अव्वल अंक पाकर सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की है पिछले तेरह वर्षों से पंकज जी आप डेवलपमेंट के काम में जुड़े हो समाज के हर तबके के लोगों के लिए उनका अपना एक आशियाना हो इसके लिए किफायत दामों में सभी सुविधाओं से परिपूर्ण लेआउट बेचने का काम आपने अपने दो डायरेक्टर के साथ ये कामकाज कर रहे हो और समाज की सेवा कर रहे हो तो दर्शकों आप थे पंकज घोड़वार जिनके बारे में मैंने जानकारी दी मेरे तीसरे जो मेहमान इस समय में मौजूद है वे नितिन शेखी जी जो जय श्रीराम लैंड डेवलपर्स के तीसरे डायरेक्टर हैं मैं शेखे साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि नितिन जी आपका जो जन्म है कामटी तहसील के झरप गांव में हुआ है और आप पिछले पंद्रह वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हो ग्राहकों का संतोष यही हमारा ध्येय ऐसा आपका मानना है और आप सामाजिक शिक्षा खेल क्रीड़ा संस्कृति तथा धार्मिक उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हो तो दर्शकों ये तीन शख्सियत शहर की बहुत बड़ी शख्सियत है जो समाज का अच्छा काम कर रही है जय श्राम लैंड डेवलपर्स के सचिन घोड़मारे जी पंकज घोड़मारे जी और नितिन शेखी जी तो दर्शकों इनका परिचय परिचर्य के बाद अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे कि क्या सही मायने में लेआउट की जमीन लेना कितने फायदेमंद साबित होंगी सबसे पहला मेरा सवाल सचिन जी आपसे है सचिन जी ये बताए कि आए दिन बहुत ज्यादा फॉर्म जो है एस्टेब्लिश हो रही है और इसी श्रृंखला में जय श्रीराम लैंड डेवलपर्स जो आज आपका कामकाज कर रहा है यह बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई है और ये लैंड डेवलपर्स जय श्रीराम लैंड डेवलपर्स स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है नमस्कार संजय जी ये मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मेरा निवासी गांव पांडरकौड़ा है मैं सबसे पहले सर्वप्रथम नमस्कार बी सी एन न्यूज़ जी जी संजय जी पूरा तुम्हारा बी सी एन न्यूज़ रिपोर्टर और अपने पत्रकार बंधु और तुम्हारे स्टूडियो के सब दर्शक लोगों के लिए मेरा सर्वप्रथम नमस्कार जी संजय जी जय श्री राम डेवलप लैंड डेवलपर्स की मैंने जो स्थापना की है जी सात आठ साल से मैं जब देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर में जो प्लॉट लेने की घर बनाने की जो आशा आकांक्षा रहती है जी लेकिन जब ग्रामीण गा, क्षेत्र में से सिटी से लेकर मैं जब देखा तो कैसा है लोगों के अंदर में घर बनाने की खूब इच्छा रहती मैंने जो लोगों के अंदर की भावना देख के मैंने ये जय श्री राम लैंड डेवलपर्स का स्थापना करने का एक मन में ठान लिया और मेरे छोटे दो बंधु हैं पंकज सर नितिन सर इनको मैंने पकड़ के दोनों को साथ में लेके लोगों का मानना है कि तीन लोग चार लोग लोग मिलकर बिजनेस नहीं कर सकते मेरा मानना है कि मराठी में एक मन है तुकाराम महाराज की संत तुकाराम महाराज की विचारधारा से विचारधारास वाला आदमी हूं जी, जी. तो नाही रे एकट्याचा खेळ म्हणून जमवला चौघाचा मेळ हा चौघाचा मेळ अशाकरिता बनवला आहे की मला सर्वसाधारण लोकांना प्लॉट देण्याची इच्छा आहे मराठीमधूनही बोलतो मी मी मराठी माणूस असल्यामुळे मला मराठी जी जी बेश तर जे सर्वसाधारण व्यक्ती आहे जे मिडल क्लास म्हणता येईल त्यांना माझा माझ्या मनात म्हणजे जवळपास मी मला जेव्हाचं मी संज्ञान झालं आहे तेव्हापासून माझ्या मनात विचार चालवत होती की आपण सर्वसाधारण व्यक्तीला कसा प्लॉट देता येईल आणि त्यांचं स्वप्नांचं घर कसं बनवता येईल हा माझा जय श्रीराम लँड डेव्हलपर्स आणि जय श्रीराम संस्था जी मी स्थापन केली आहे आणि याच्यामधनं मला सर्वसामान्य लोकांनी खूप प्रतिसाद दिलेला आहे आणि पुन्हा मला प्रतिसाद देतील आता माझा जयश्रीराम ग्रुप जो आहे त्याच्या वतीने मी देवश्री हाऊसिंग एजन्सी लाँच केलेली आहे आणि नवीन एन एम आर डी ज्याला सिटीमध्ये एन ए टी पी म्हणतात आणि ग्रामीण क्षेत्राकरिता एन एम आर डी हा प्रोजेक्ट जी नागपूर मेट्रो ऑफिस अंतर्गत अथॉरिटीज जे एन एम आर डी ग्रामीणकरिता काम करत आहे जी, जी त्या संस्थेच्या माध्यमातून मी एन एम आर डीला माझ केलेली परचेस स्थिती त्याच्यामध्ये मी लऊट टाकून आता पुन्हा प्लॉट देण्याचं काम सर्वसाधारण लोग करीत है। बिल्कुल तो आप थे सचिन घड़मारे जिन्होंने बखूबिर भैबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि ये जब मिलजुल के जब काम करते हैं एक यूनिटी बनती है और जब यूनिटी जब बनती है तो वो काम काफ़ी शक्तिशाली मजबूत और पूरा ट्रांसपेरेंट काम होता है और यही बात संत तुकार महाराज का इन्होंने जो एक मुहावरा जो एक बात जो कही है जो पंक्तियाँ इन्होंने बताई है वो काफ़ी मायने रखती है क्योंकि जब यूनिटी से जब कोई भी काम होता है ना तो बहुत ही बेहतरीन काम होता है और वो जो फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती जो संस्था होती है वो दिन ब दिन बढ़ते रहती है और स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या था इसके बारे में भी जयश्राम लैंड डेवलपर्स के डायरेक्टर सचिन घोड़मारे जी इन्होंने जानकारी दी है अब हम दर्शकों दूसरे जो डायरेक्टर हैं पंकज घोड़मारे जी उनसे उनसे भी बात करेंगे उनसे हम यही जानना चाहते हैं कि पंकज जी आप ये बताइए कि सर आज दिन लोगों में एन एम आर डी ए जिसे नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है तो सर लोगों में एन एम आर डी ए और एन ए टी पी सैंक्शन एन ए टी पी इसके बारे में जो संभ्रम है लोग अभी भी दुविधा में हैं कि एक्चुअली ये है क्या लोग समझ नहीं पा रहे प्रॉपर उनके उनके पास वो एजुकेशन नहीं पहुंचा होगा क्या कहना चाहोगे पंकज जी आप एन और एन में व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन सभी बी चैनल के श्रोताओं को दर्शकों को मेरा नमस्कार संजय जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा वाकई में फिलहाल नागपुर के लोगों में एन और एन के बारे में संभ्रम है अगर हम थोड़ा नागपुर के बारे में जानकारी ले तो संजय जी 1702 में भक्त बुलंद शाह इन्होंने कुछ गांवों को मिला नागपुर शहर का निर्माण किया बाद में अठारह में म्यूनसिपल काउंसिल्टैब्लिश हुई जिसके अंडर में उस वक्त नागपुर की जो सीमा थी बाउंड्री थी वो साढ़े पंद्रह स्क्वेयर किलोमीटर थी जी और उस वक्त नागपुर की पॉपुलेशन मात्र बयासी हज़ार थी जी समय बढ़ता गया डेवलपमेंट होता गया बाद में जो डेवलपमेंट का काम करने के लिए नागपुर में दो अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश हुई जी उसमें से एक है एनएमसी और दूसरी है एनआईटी जी तो नागपुर सिटी के दायरे में अर्बन एरियाज़ में जो डेवलपमेंट का काम और सेंक्शनिंग का काम जो अथॉरिटी करती है वो एन है और नॉन अर्बन एरियाज़ ग्रामीण इलाकों में जो ले डेवलपमेंट का काम होता है उसका काम एन करती थी संजय जी 1999 में एक एक्सपर्ट टीम ने बैठ के प्लान करके एक डीपीआर बनाया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जी जी जिसमें पचास साल के बाद का विज़न रख के ये रिपोर्ट बनाई गई है और उसी के आधार पे एन का गठन किया गया तो 2018 के बाद जो नॉन अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट का काम है ये एन करती है अगर हम एन और एन में डिफरेंस लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोनों अथॉरिटीज़ हैं सैक्शनिंग अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एन आई टी पी एनि एन आई टी एन एम आर डी एन एम आर डी लेआउट्स एन आई टी पी में क्या होता है मेन जो डिफरेंस है संजय जी इसमें कि एन आई टी पी लेआउट्स यानी एन आई टी में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी एन आई टी है उसमें जो डेवलपमेंट का काम है ये खुद अथॉरिटी करती है मीन्स एन आई टी करती है एन आई टी और एन एम आर डी ए में जो डेवलपमेंट का काम है ये खुद डेवलपर को करके देना है तो जो मेन डिफरेंस है एन और एन में ये है डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेकेंड डिफरेंस ये है कि एन की जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी थी उस वक्त उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो थे सैक्शनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक वो थोड़े अलग थे और एन के कुछ अलग हैं अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एन में जो रोड विड थी वो 20 से 30 फीट की थी और वही एन में 30 से 40 फीट की हुई उसके अलावा अगर हम एम्यूनिटीज और ओपन स्पेस की बात करें तो जो रिजर्वेशंस था एन आई टी में मीन्स एन आई टी पी लेउट्स में वो पाँच पाँच परसेंट था और वही एन एम आर टी ए में दस दस परसेंट गया, गया। उसके अलावा भी कुछ माइनर चेंजेस है रूल्स एंड रेगुलेशंस में डेवलपमेंट के बारे में बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस आया है नागपुर में कि संजय जी एक ही एरिया में एक ही मौजा में एक ही बाउंड्री लग के एक एन लेआउट है और एक एन एम लेआउट है एन लेआउट का रेट अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो सात सौ रुपये है और उसी को लग के एक एनएमआरडी लेआउट है उसका रेट हजार रुपये है तो लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता बिल्कुल लोगों में यही संभ्रम है तो वैल्यूएशन तो सेम है एक ही एरिया है एक ही मौजा है रेट तो में डिफरेंस क्या है तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि पी लेआउट्स का डेवलपमेंट एनआईटी करती थी बराबर। तो जो डेवलपमेंट चार्ज है ये आपको बाद में देना था अथॉरिटी को बाद में आप इसको डिमांड निकलती थी डेवलपमेंट की जी। उसी के हिसाब से फिर बाद में अथॉरिटी इसका डेवलपमेंट का काम करती थी लेकिन एनएमआरडी में ये पूरा डेवलपमेंट का काम जो है ये डेवलपर को करके कर देना है अच्छा। इसमें दिक्कत ये आती थी, थी कि एनआईटी लेआउट्स में जो डेवलपमेंट का काम है बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया और ये सच है कि डेवलपमेंट का काम बहुत डिले होता था right. बहुत साल लगते थे डेवलपमेंट के लिए राइट right. उसका मेन रीज़न ये है संजय जी अगर हम इस बात को थोड़ा समझें तो एनआरडी लेआउट्स या कोई भी लेआउट्स में अगर एक मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि सौ प्लॉट है सौ प्लॉट में से होता ये है कि जो एंड यूजर है कुछ परसेंट लोग जो है वो प्लॉट लेते हैं घर बनाने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए लेकिन पचास परसेंट या मैक्सिमम लोग जो प्लॉट लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं ताकि भविष्य में जब भी उसका रेट बढ़े तो उनका जो इन्वेस्टमेंट किया है उनका मुआवजा उनको ज़्यादा मिले तो ये जब डिमांड निकलती है डेवलपमेंट की जिनको ज़रूरत है वो डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं डिमांड निकलने के बाद जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं भरते लेकिन डेवलप करने के लिए अथॉरिटी को पूरा लेआउट का डिमांड निकाल के उनका पूरा डेवलपमेंट चार्ज उनको जब तक भरते नहीं है तब तक डेवलपमेंट का काम होता नहीं है इसी वजह से वो जो डिले होता था एन लेआउट्स में इसके बारे में डेवलपमेंट के बारे में वो इसी एक मेजर कारण है जिसके वजह से डिले होता था तो ये जो संजय जी मेन डिफरेंस है एन और एन एम में सबसे मेन एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का है और दूसरा एक है डेवलपमेंट का सर एन और एन में लोगों को जो फ़ायदा किस में मतलब ऐसा महसूस हो रहा है किस में ज़्यादा फ़ायदा उनका होने जा रहा है क्योंकि शुरू में एन ए था तो लोग एन की धारणा दिमाग में रखते हुए काम काज कर रहे थे अब एन आया हुआ है तो दोनों में ये बदलाव में क्या डिफरेंसेस क्या है या समांतर क्या ऐसी बातें हैं दोनों में देखिए अथॉरिटी तो आप अगर एन बोले या एन बोले अथॉरिटी सेम है बस 2018 से पहले तक एन था दो हज़ार के बाद एन एम आर हो चुका है लेकिन जो बदलाव है जो डिफरेंस है मेन जो है जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट का एन एम आर लेआउट्स जो है वो रेडी पोजिशन है ये टाइम बॉन्डिंग है इसमें जो है डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट का जो काम करके देना है डेवलपर को ये टाइम बाउंडेड है उसको विद इन लिमिट उसको डेवलपमेंट का, का काम करके देना है अगर ये नहीं करता है डेवलपर तो उसको बहुत भारी पेनल्टी भरनी पड़ती है अथॉरिटी को अच्छा तो ग्राहक को या कस्टमर्स को बेनिफिट इसमें है कि एनएमआरडीए लेट्स में उनको सब कुछ रेडी पोजेशन मिलता है विथ आर एल अच्छा। आर एल एक जो डॉक्यूमेंट सबने सुना होगा रिलीज लेटर या रेगुलाइजेशन लेटर बोलते हैं उसको तो ये डिमांड भरने के बाद डेवलपमेंट जब तक होता नहीं है तब तक रिलीज लेटर आपको मिलता नहीं है तो एनएमआरडीएल लेआउट्स में आपको रिलीज लेटर के साथ प्लॉट दिया जाता है सबसे मेन डिफरेंस ये है और मेरे हिसाब से लोगों ने अभी जो भी निवेश अभी तो एन ए बंद ही हो चुका है तो अभी निवेश जो करना है आपको एन एम लेआउट्स में ही करना है और ख़रीदना भी है तो एन एम लेआउट्स में ही प्लॉट खरीदना है बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी इस समय में हमारे साथ में पंकज घुड़मारे यूनजी घुड़मारे जी ने ये बताते हुए बताया कि एन और एन एम आर डी में क्या डिफरेंसेस है और शुरू के दौर में एन था लेकिन अब की बार एन एम आर डी ए काम काज कर रही है और आज के तारीख में इमरजिंग मार्केट है जो आज लेआउट्स की जमीन खरीदता है भविष्य में जब मैच्योर मार्केट बन जाता है दो चार पाँच साल दस साल बाद तो वो व्यक्ति जो जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदा है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है काफ़ी चीज़ जानकारी इस समय में पंकज घोड़मा ने जिन्होंने दी अब हम जयश्रम लैंड डेवलपर्स के तीसरे संचालक हमारे साथ में नितिन शेर के जी है उनसे भी जानना चाहेंगे शेर के साहब ये बताइए कि आप पिछले पंद्रह वर्षों से इस लैंड डेवलपर्स के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हो पंद्रह वर्षों पहले और अब क्या बदलाव महसूस क्या बदलाव आया है ऐसा आपको लगता है नितिन जी नमस्ते सभी मेरे दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और बी सी एन केबल नेटवर्क में आपने हमको इनवाइट किए इसलिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी देखिए पिछले पंद्रह सालों में जी मार्केट मैच्योर नहीं था बर। उसके बाद में डेवलपर्स थे लेकिन जो क्लाइंट थे आने वाले उनको ये सब जानकारी नहीं थी और पिछले दस सालों पंद्रह सालों में जो डेवलपमेंट था काफ़ी कम था और अभी जो पंद्रह साल बीतने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है जो ग्रोथ है जो नागपुर उम्र रोड की जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा है और पिछले पंद्रह सालों में हमारे जो कंपनी में प्लॉट बेचे थे लेआउट डाल के तो वो प्लॉट के जो रेट थे दो सौ तीन सौ रुपये स्क्वायर फिट से हमने प्लॉट बेचे थे अभी जो पंद्रह साल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसको मद्देनजर रखते हुए आज के जो रेट है प्रॉपर्टी के वो दो हज़ार ढाई हज़ार स्क्वेयर फिट हो गए हैं और लोगों को डेवलपमेंट के बारे में जानकारी पंद्रह साल पहले नहीं थी आज पंद्रह साल के बाद जो जानकारी लोगों में आई है तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी जो फोकस कर रहे प्रॉपर्टी परचेस करने में फोकस कर रहे हैं और पंद्रह सालों के बाद और पंद्रह साल के पहले बहुत सी सारी चीज़ें डेवलप हुई है जैसे कि मेट्रो हो गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है हमारे इधर शिम् इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आई है जबलपुर हाईवे है हमारे प्रोजेक्ट के बाजू में इंटरनेशनल स्कूल और एक आ रही है यह सब जानकारी अभी पहले पंद्रह साल पहले नहीं थी पंद्रह साल के बाद जो ग्रोथ हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई है और पंद्रह साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी अब यह सब चीज़ें डेवलप हो गई है तो उसको हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी नीतीश शेखे साहब आपने दी है कि किस प्रकार से बदलाव आया हुआ है और लोग इस बदलाव को भली समझ रहे हैं और अपने परिवार का अपने खुद के लिए कुछ अच्छी प्रॉपर्टी हो इसलिए अच्छे डेवलपर्स की तलाश में रहते हैं और नितिन जी यकीन जो बदलाव आपने बात किया है कि यकीन आज के बाद जो इन्वेस्टर है वो अच्छी ज़मीन अच्छे डॉक्यूमेंट्स और क्लियर टाइटल वाली लेंगा और वह आपका जो है जय श्री राम लैंड डेवलपर्स यकीन आपसे ज़रूर ग्राहक प्रॉपर्टी खरीदेगी इसमें कोई दो राय नहीं मैं फिर से एक बार सचिन घोड़मारे जी इनके पास चलता हूँ सचिन जी ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक परिवार में चार लोगों के चार दिमाग रहते हैं हर कोई अलग अलग भागता है और लेकिन आप तो एक ये संस्था बना के चल रहे हो और जिसके अंदर आप तीन पार्टनर हो क्या तीनों के दिमाग अलग अलग चलते हैं या तीनों को मिल के तीन डायरेक्टर का एक साथ मिलकर काम करना ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हो सचिन घोड़मारे जी आप संजय जी ये बहुत अच्छा खास सवाल पूछा है परिवार में तो सही में चार मेंबर पांच मेंबर दस मेंबर होते हैं जी लेकिन अपन किचन में जब खाना बनाते तो सब जब सब्जी बनाते अपन सब्जी बनाते समय बैंगन रहते बटाटा रहता उसके साथ में ऑयल ऑयल के साथ में तिखट हल्दी जो भी सब्जी के अंदर में जो भी मिलावट करते जी उसके बाद में टेस्ट कैसी आती है बहुत सटीक जवाब सवाल का जवाब आपने दिया है या? तो ये संस्था नागपुर के अंदर में नहीं भारत के अंदर में संस्था ही सब कर कर सकती है जी। मेरा ऐसा मानना है खुद का कि संस्था जो कर सकती है वो अपन सिंगल में कुछ कर नहीं सकते संस्था के माध्यम से अपन लोगों में जो संभ्रम रहता संस्था के बारे में लोगों के अंदर में जो संभ्रम रहता वो अपन कैसा उनको उनके हिसाब से उनको कैसा मैचर करना है क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन संस्था अगर सही ढंग से अपन चलाए जो डायरेक्टर रहते संचालक रहते अध्यक्ष रहते सचिव रहते वो अगर सही ढंग से अगर संस्था को चलाए तो ये लोगों के अंदर में संभ्रम नहीं रहेगा मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल बिल्कुल सही तालमेल तभी बैठ सकता है जब वैचारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सब मिलके जब कामकाज करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी होती है ऑनेस्टी सिंसियरली और हार्ड वर्किंग दीज आर द थ्री थिंग्स हु बिल्ड और लाइफ और यही जो चीज़ें हैं जो हमारे को तरक्की की और अपने कदमों को बढ़ाते हुए नजर आती है मैं फिर से एक बार नीतीश शेख के साथ आपके पास आना चाहता नितिन जी आप ये बताइए नितिन जी कि अब ग्राहकों को जो ग्राहक आपके पास आते हैं अक्सर इंक्वायरी करने या तमाम बातों को समझने के लिए आप उनको कैसे सेटिस्फाइड करते हो जी संजय जी सबसे पहले हमारे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं हम अपने कई दिल से सभी डायरेक्टर की तरफ से हमारी कंपनी की तरफ से उनका वेलकम स्वागत करते हैं उसके उन आने के बाद में उनको हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जी जानकारी देने के बाद में हमारे लेट पे डॉक्यूमेंटली क्या है एन एम आर डी है एन एन डी पी साइंसन है इसके बारे में जानकारी देते हैं उसके बाद में जो डेवलपमेंट है अपने लेट में प्रोजेक्ट पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट में क्या क्या हो रहा है जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन होगी है नल लाइन होगी है गडर लाइन होगी है रोड की सुविधा होगी है और गडर लाइन हो गई ये सब चीज़ें जो है हम उनको समझा के बताते हैं बिल्कुल उनके बाद में उनको हम साइट विजिट करते हैं साइड विजिट करने के बाद में हमारे जो ऑफिस से लेके अपने साइट तक के जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में क्या क्या बनने वाला आ गई जिन फ्यूचर फाइव साल में दस साल में कॉलेजेस बन रहे हैं क्या सिम्बोसिस बन रहा है क्या सिम्स बन रहा है और कुछ भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं उनके बाद में अपने जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में ले जाके अपने प्रोजेक्ट के आजू बाजू में एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर दायरे के अंदर क्या बन रहा है इन फ्यूचर क्या बनने वाला है और आपको प्रॉपर्टी कौन से जगह लेना है ये सब जानकर हम उनको साइट पे ले जाके बताते हैं उनका सेटिस्फैक्शन होने को होना हर चीज़ में तभी वो प्रॉपर्टी अपने हमारे कंपनी कम, से परचेस कर सकते हैं यही हमारा हमारी इच्छा रहती है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आए प्रॉपर्टी ले अथवा ना ले उनका सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है यही मैं संजय से आपको कहना चाहता हूँ बिल्कुल का भी जानकारी नितिन जी ने दे दिया है नितिन जी ने यह बताया कि जब ग्राहक जब आते हैं तो उनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोग पैसा लगाते निवेश करते हैं और हर कोई चाहता है कि जो प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो टाइटल है नीट एंड क्लियर चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रबल या ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी का कामकाज होता है और ये बात ध्यान में रखते हुए तीनों संचालक जय लैंड डेवलपर्स के ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए अच्छे पूरे डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लियर टाइटल देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में वे कामकाज भी कर रहे हैं तो फिर से एक बार आप सभी का खास मुलाकात इस कार्यक्रम में स्वागत जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी से शुरू किया है उनके लिए मैं बता दूं कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के तीन शख्सियत यानी जय लैंड डेवलपर्स के तीन डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं पंकज घोड़मारे जी है सचिन घोड़मारे जी है और नितिन शेड़के जी है ये तीनों डायरेक्टर आए ब्रेक पर जाने से पहले हमने एन एम से लेके एन से लेके तो तमाम तमाम बातें उनसे की और सही हर सवाल के उन्होंने सटीक जवाब भी दिए ब्रेक के बाद फिर से दर्शकों हम आपका भी एक बार स्वागत करते हैं और फिर से रुक करना चाहेंगे पंकज जी आपके पंकज जी आ, मेरा एक सवाल ये भी था कि पांडर पांडरकोड़ा के, के एन एम आर डी ए सैंक्शन लेआउट की क्या स्पेशलिटी है क्या विशेषताएं हैं और ग्राहकों को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है संजय जी जी पांड्रागौड़ा में जो लेआउट लॉन्च हुआ है हमारा जी वो एन एम आर डी ए सेंक्शन है एन एम आर डी ए मीन्स नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी अगर मैं एन एम आर डी ए के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूँ तो एन एम आर डी ए में टोटल नागपुर की नौ तहसील आती है और सात सौ इक्कीस गाँव आते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एन एम में जो डी बना हुआ है पचास सालों का विजन रख के अच्छा तो उसमें लगभग साढ़े तीन हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है एन उसका डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना है और उसमें कुछ रिजर्वेशंस है उसमें एग्रीकल्चर के लिए रिजर्वेशन है फॉरेस्ट के लिए है माइनिंग के लिए है और रेसिडेंशियल के लिए तो एग्रीकल्चर में लगभग फिफ्टी है कुछ माइनिंग में है फॉरेस्ट में है और जो रेसिडेंशियल के लिए है वो टेन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट है जी। जो साढ़े तीन हज़ार स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर के इसमें से दायरे नाथ दायरे में, में हमारा जो लेआउट है वो रेसिडेंशियल जोन में है एन एम सेंक्शन है और ये पूरा लेआउट सेंक्शन करके और डेवलप करके ग्राहकों को मिलेगा डेवलपमेंट में इसमें रोड्स मिलेंगे रोड्स में मेन जो अप्रोच रोड है वो चालीस फीट का होगा मीन्स बारह फीट बारह मीटर का होगा एंड अदर जो इंटरनल रोड्स है वो नौ मीटर के यानी तीस फीट के होंगे बराबर उसके बाद इसमें प्ले ग्राउंड है ओपन स्पेस है एम्यूनिटी है पूरे लेआउट को कंपाउंड है सीवर लाइन है एस टी पी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वाटर लाइन है इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिक पोल्स है स्ट्रीट लाइट्स है जी। सभी सुविधाएं जो एन के अंदर में आती है वो सभी सुविधाएं इसमें है उसके अलावा लेआउट का जो डेवलपमेंट करना है ये हमारा टाइम बाउंडेड है इसी के अंदर करना है डेवलपमेंट का काम जो है ये अंडर एन अथॉरिटी के सुपरविजन में काम होगा अच्छा उनके रूल्स से होगा उनके जो स्पेसिफिकेशन हैं उसी के हिसाब से होगा सर जिस प्रकार से आपने ये जो कामकाज बताया लेकिन सर एक सर्वे ऐसा भी आया है कि 2032 में जो शहर की जो पॉपुलेशन है जैसे कि आज चौंतीस पैंतीस लाख की पॉपुलेशन बताई गई है 2032 में ये टॉइस यानी दोगुना ये बढ़ सकती है ऐसे समय में लोगों को प्लॉट खरीदना एक टेडीखिड साबित हो सकती है इसके बारे में क्या रोशनी डालोगे रो क्या कहना चाहोगे ये बात सच है ये डी के हिसाब से आज की जो पॉपुलेशन है नागपुर की ये 34 लाख और प्रोजेक्टेड 2032 तक जो पॉपुलेशन होने वाली है नागपुर की वो 50 लाख होने वाली इसके अलावा एक सर्वे है डीपीआर का ही कि नागपुर में जो डेवलपमेंट हो रहा है जो इंडस्ट्री जा रही है और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके वजह से फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोग बाकी स्टेट से बाकी शहरों से नागपुर में माइग्रेट होने लग गए हैं बराबर और यहाँ पे स्थायी होने लग गए हैं और डी के हिसाब से उनकी जो पॉपुलेशन जो माइग्रेट होने वाली है उनकी जो संख्या है ये सत्रह लाख होने वाली है मींस जो थर्टी फोर लाख है आज की पॉपुलेशन है प्लस जो फिफ्टी लाख होने वाली है मीन्स ये डिफरेंस हो गया सोलह सोलह लाख का प्लस माइग्रेटेड जो लोग हैं वो सत्रह लाख तो लगभग लगभग ये जो पॉपुलेशन है दो तक ये ट्वाइस हो जाएगी डबल हो जाएगी इसलिए जो डी पी आर बनाया हुआ है क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन जो बढ़ जाएगी ट्वाइस हो जाएगी इनका अकोमोडेशन जो करना है इनको रहने के लिए जगह जो चाहिए प्लॉट चाहिए जगह चाहिए उसी के लिए एन एम आर डी ए काम कर रही है उसी के लिए एन एम आर डी ए डेवलपमेंट का काम उनका शुरू हो बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी पंकज जी आपने दिया हमारे दर्शकों को और इसका निश्चित तौर पे फायदा भी होगा क्योंकि समय ऐसा है कि लोगों को मकान या फिर प्लॉट भी नहीं मिल पाएंगे जो आज खरीदेंगे उनको सौ टका फायदा होगा इसमें कोई दो राय नहीं है मैं सचिन जी आपके पास आना चाहता हूँ सचिन जी ये बताइए कि आप सांस्कृतिक हो धार्मिक हो या खेल क्रीड़ा हो ऐसे कई क्षेत्र में कामकाज करते हैं समाज की सेवा करने में तो आप सबसे आगे रहते हो अग्रेसर रहते हो कितनी खुशी मिलती है सचिन जी आपको ये कामकाज करते हुए संजय जी मैं जब आ, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से हो करके मैं तो गांव में जो भी संस्था रहती है हनुमान व्यायामशाला या तो अपनी हनुमान पंच कमेटी जो भी कुछ वहाँ पे गांव में जो संस्था छोटी संस्था जो काम करती है उसमें समाज के माध्यम से समाज की मेरे और ज़्यादा निगरानी रहती और मैं समाज के लिए क्या अच्छा कर सकता समाज के लिए मैं आने वाले दिनों में जी। और जो गुजरे हुए दिनों में मैं समाज के लिए खूब काम किया है और आगे चल के भी काम करता रहूँ यही मेरी प्रावधानना है और काम करते समय समाज के लिए मैं काम करते समय मैं कभी जाति धर्म का कभी ये मायना नहीं रखता कौन से शारदा शुक्र मंडल हो या बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती रहो चाहे धर्म की जो जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे मैं अपने परिवार के ओर से मेरे समाज के ओर से मैंने मतलब समाज बोले तो यो आ, वो शब्द ही वो वर्ड्स ही अलग है कि उसका मैं किंतु परंतु विचार न करते मैं काम करता हूँ बिल्कुल सचिन जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी सचिन जी ने आपका ये मानना है कि चाहे किसी के भी धर्म का आप धर्म किसी का क्यों न हो मगर गांव में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और ये तमाम तमाम धर्म के लोग रहते हैं और हर किसी के धर्म का सम्मान आप करते हैं हर किसी के धर्म के कामकाज में आप जाते हैं और सबके त्यौहारों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और यही सही मायने में समाज की सेवा बेहतरीन तरीके से सचिन जी आप करते रहते हो मैं पंकज जी इस कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल मेरा ये था कि पंकज जी इस समय में तमाम लाखों इन विषय के दर्शक आपको तीनों को भी गौर से देख भी रहे सुन भी रहे तो दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से नागपुर एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है जी संजय जी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से नागपुर इज़ द फिफ्थ फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी इन द वर्ल्ड विद द ग्रोथ रेशियो ऑफ एट नागपुर में जो डेवलपमेंट हो रहा है अगर नागपुर अगर हम देखें तो सभी को मालूम है नागपुर इज़ द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया राइट और नागपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड रेल मेट्रो एयरपोर्ट अगर रेल की बात करें तो नागपुर में तीन सौ चौवन ट्रेनस रोज गुजरती है sure. जिसमें से एक लाख साठ हज़ार लोग रोज़ नागपुर स्टेशन से चढ़ते उतरते हैं sure. अगर हम रोड की बात करें तो नागपुर में दो मेजर नेशनल हाईवेज़ हैं उसके अलावा दो एशियन हाईवेज़ जंक्शंस हैं अभी फ़िलहाल में सभी को मालूम है कि नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे का काम चालू है स्टेट right. हाईवेज़ है कनेक्टिविटी नागपुर में रोड्स की तो बहुत ही बढ़िया है उसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो नागपुर एयरपोर्ट पे 300 फ्लाइट्स रोज टेकऑफ्स होती है उसके अलावा नागपुर एयरपोर्ट हब जो है इंटरनेशनल हब है जी. बहुत बड़ा एयरपोर्ट नागपुर का है मेट्रो की बात करें तो नागपुर जो एग्जिस्टिंग है 40 किलोमीटर मेट्रो का काम हो चुका है और नए दो फेज और आने वाले हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो नागपुर में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और जिस हिसाब से नागपुर का आकलन हो रहा है डेवलपमेंट के बारे में ये बहुत ही वास्ट है अगर आज के पोजिशन में हम देखा जाए तो आज के बाद मीन्स आज के तारीख के बाद दो तक प्रोजेक्टेड जो है जो डेवलपमेंट रेशो है ये बहुत बड़ा है और अगर मैं इन्वेस्टर के लिए बात करूँ अगर आज हम निवेश कर रहे हैं तो कम से कम दो हज़ार बत्तीस तक आपका फाइव टाइम्स टेन टाइम्स भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो देगा आपको तो नागपुर इतना बड़ा इमर्जिंग मार्केट होने के कारण मेरी सभी दर्शकों को विनंती है कि आप जितना जल्द हो सके नागपुर में लैंड्स में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू कीजिए क्योंकि नागपुर में कल चल के प्रॉपर्टीज़ लेना ये हमारे जेब को बहुत बड़ा खर्चा देने वाली है सही बात है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है तो इमरजिंग मार्केट में स्वाभाविक रूप से पहले आओ पहले पाओ और शुरू के दौर में रेट्स कम होते हैं लेकिन जब मार्केट मैचोर्ड हो जाता है दो चार पाँच दस साल बाद तो उसके जो है यानी जैसा सर ने बताया कि दो टाइम्स उनका अधिक गुना बढ़ता है कॉस्ट बढ़ती है यानी लाखों का माल करोड़ों के आसपास भी उसकी मूल्य होता है उसकी कॉस्टिंग जाती है तो दर्शकों यदि आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जय श्रीराम लैंड डेवलपर्स या अन्य कोई भी अच्छे डेवलपर्स के यहाँ आप कर सकते हो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो टाइटल है जो डॉक्यूमेंट्स है वो नीट और क्लियर है कि नहीं ये ज़रूर आप देखिए जय श्रीराम लैंड डेवलपर्स के जो तीनों संचालक है इनका कामकाज काफ़ी अच्छा है और इनका इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो एन है वो नीट एंड क्लीन है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और यकीन क्योंकि आपकी जो पूंजी है वो अच्छे काम के लिए क्योंकि पसीने की आपकी जो पूंजी है वो काफ़ी अच्छी रहना चाहिए आपके परिवार को आपके परिवार के भविष्य के लिए आप अच्छा एक संपत्ति का एक प्रॉपर्टी का स्रोत बना सकते हो बशर्ते आपको भी जय श्री राम लैंड डेवलपर्स में आकर प्लॉट खरीदना होगा तो दर्शकों आप थे शहर के तीन डायरेक्टर जयश्राम लैंड डेवलपर्स के पंकज घोड़मारे सचिन घोड़मारे और नितिन शेखे जी अगली बार फिर हम ऐसे ही किसी नए डेवलपर्स के संचालक के साथ आपसे बात करेंगे रूबरू करवाएंगे लेकिन सर आज आप तीनों आज हमारे स्टूडियो में हैं और जिस प्रकार से आपने जो काफी अच्छी सटीक जानकारी हमें दी है इसके लिए मैं नितिन शेड़के साहब आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ सचिन घोड़मारे साहब आपका भी हूँ और पंकज घोड़मारे जी आपका भी आभारी हूँ तो दर्शकों मिलते हैं अगली बार नए कार्यक्रम खास मुलाकात इस कार्यक्रम में फिर की, फिर किसी नए डेवलपर के साथ तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाजत आप देखते रहिए बी सी एन न्यूज नागपुर नमस्कार नमस्कार